बढ़िया थोड़ा मजा लगता पाक फ़िज़ाइया का दस्ता रेंजर्स की गार्ड्स की जगह संभाल रहा है। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली तकरीब के मेहमान खसूसी हैं। लाहौर से बराह रास्त मनाजिर हैं जो आप मुलाहिजा कर रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। लाहौर में एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। बराह रास्त मनासिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब, जिसके मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल सैयद हैं और पाक फ़िज़ाइया का दस्ता रेंजर की जगह गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। लाहौर के मनाजिर हैं जो आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा और गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब है। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब है। एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली तकरीब के मेहमान खसूसी हैं। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा और फ़िज़ाइया के दस्ते से पहले रेंजर्स का दस्ता ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब है। एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। से हज़रत इलामा इकबाल का ताल्लुक पहली मरतबा 1908 में कायम हुआ। यही वकालत की, यही सियासत की और यही उन्हें शोरा आफाक मुकाम हासिल हुआ। रेंजर्स के जो जवान हैं वो अपनी मुतल्लिका जगह पर चले जाएंगे, मखसूस जगह पर।
ये मनाजर बराए रास्त आप लाहौर के बादशाही मौस से मुतसिल हज़रत अल्लामा इकबाल के मज़ार से देख रहे हैं। कार की तब्दीली का मरहला है, शानदार खराज अकीदत है। इमामुल असर शायर इस्लाम और मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को मज़ार से मुतसिल मंटो पार्क में 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, मंजूर की गई, जो बाद में क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द रीथ लेइंग सेरेमनी। नाउ द चीफ गेस्ट एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली, सितारे इम्तियाज मिलिट्री, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरमैन अकेडमी करंगी क्रीक, विल ले रीथ on mazar e iqbal on behalf of air chief marshal zahiruddin babar siddhu hilal e imtiaz military chief of the air staff pakistan air force jaisa ki bataya gaya ke mehmane khususi air vice marshal sayyid imran majid ali sitar e imtiaz military air officer commanding pf airman academy चीफ साहब की तरफ से अब रीत चढ़ाएंगे मजार इकबाल पर। हर काम में नज़्मो नसक है, तरतीब है और एक तमकनत है। मेहमान खसूसी मजार इकबाल में दाखिल होते हुए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله اس کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما इसका सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रूह अक़दस को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब तमाम अम्बियाए किराम की अरवाह मुक़दसा को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब तमाम सहाबाए कराम अहले बैत अतहार की रूह को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब तमाम उम्मत मुसलमा की रूह को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब मुफक्कर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत कैद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब तमाम शुहदाए पाकिस्तान की रूह को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों के शुहदा की रूह को पहुँचा। या अल्लाह हमारे इस वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को अमन तरक्की खुशहाली नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिल करीम व अला आलिही व असहाबिही अजमईन आमीन आमीन।
कौमी सलाम पेश किया जाए। मेहमान खसूसी जो किताब रखी है खसूसी तौर पर मेहमानों से के हवाले से उस पर अपने तासुरात दर्ज करेंगे। हमें आज हज़रत अल्लामा इकबाल के वालदैन को भी खराज अकीदत पेश करना है। अकबर अलाबादी फरमाते हैं कि हज़रत इकबाल में जो खूबियाँ पैदा हुई, कौम की नज़रें जो उनके तर्ज की शैदा हुई, ये हक़ की आगाही, ये खुशगोई, ये ज़ौक़ मार्फत, ये तरीके दोस्ती, खुददारी, बातम करत, इसके शाहिद हैं कि इनके वालदैन अबरार थे, बाखुदा अहले दिल थे, साहिब इसरार थे। तो ये एक खराज अकीदत था हज़रत अकबर अलाबादी का अल्लामा इकबाल के वालदैन के लिए। और यकीनन उनके वालिद और उनकी वालिदा हमारे लिए उतनी ही मोतरफ और इतनी ही मोतबर हैं जितनी कि एक अजीम शख्सियत के वालदैन होते हैं। और आप अपने सामने देख रहे हैं कि वो अब तासुरात हैं अल्लामा इकबाल की शख्सियत के हवाले से दर्ज किए जा रहे हैं मेहमान खसूसी वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली साहब के कलम से वो अब वहाँ पर दर्ज कर रहे हैं। आप सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं और एयर ऑफिसर कमांडिंग पीएफ एयरमैन एकेडमी हैं। और ये वो मनाजर हैं जिनका हर साल आप अहवाल देखते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न से। और इसके अहतमाम में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान रेंजर्स की काविशें शामिल हैं। और ये मनाजर दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल के लाहौर के हवाले से किसी उनकी यहाँ पर मौजूदगी रही, वो उनकी असूल तालीम भी है अरबी और फ़ारसी के सिलसिले में। आपने अपने जो उस्ताद से मौलवी मीर हसन से इस्तफादा किया, फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज में गैर मुल्की उस्ताद थे प्रोफेसर आर्नल्ड उनसे भी इस्तफादा किया और पहली किताब इल्मुल इक्तिसाद भी लिखी और लाहौर में ही वकालत की और फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में भी उन्होंने दाखिला लिया। तो ये वो सारी हसूल तलीम के सिलसिले में उनकी मसरूफियात थी। इसके अलावा पी एच डी की डिग्री फिर म्यूनिख यूनिवर्सिटी से हासिल की और फिर उनका जो मकाला है माबादुत तिब्बियात उसके हवाले से भी उसकी जो एक इल्मी है और साइंसी अहमियत है उससे हम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में डेढ़ साल तक फ़लसफ़ा पढ़ाया, ये बहसीत उस्ताद भी उनकी जो खदमात हैं उनका एतराफ़ किया जाता रहा है। फिर 1931 में गोल मेल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन चीफ लेयर वहीं पर कायदे आज़म से पहली मुलाकात हुई। और जो रफ़क़ाएकार हैं हज़रत अल्लामा इकबाल के वो भी बड़े नाम पर लोग थे और उनका बड़ा नाम और मुकाम था। नवाब ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान, ग़ुलाम रसूल महर, ये करीबी दो आशिक बटालवी ये करीबी उनके मिलने वाले थे, दोस्त थे, अहबाब थे। इनके साथ असफ़ार भी किए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में, वो ग़ुलाम रसूल मेर साहब के साथ तशरीफ़ लेकर गए थे। फिर नाइटहुड का भी ख़िताब उन्होंने नवाब ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान के कहने पर उनके इज़रार पर कबूल किया था। फिर अल्लामा इकबाल आलमी तंजीम मोतबर इस्लामी के भी नायब सदर रहे और ये तकरर 1931 में हुआ। ज़्यादातर पंजाबी और उर्दू में गुफ्तगू फरमाते थे अल्लामा इकबाल। और इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली के कलाम से बड़े मुतासर थे और इनके साथ इनकी ख़त कताबत भी रही। तो हर लिहाज से हज़रत अल्लामा इकबाल जो है एक मौत पर शख्सियत थे। रहाइश हो, मुनासिब हो, असवार हो और फिर डिग्रीज़ हो, असूल तालीम हो, इदारे हो, ज़िंदगी भी शानदार और ज़िंदगी के बाद भी वो जिंदा और जावीद हैं। आप देख रहे हैं ये मनाजर कितने शानदार हैं। तो हम कहेंगे कि अल्लामा इकबाल
हमारे लिए एक रोल मॉडल होने के साथ साथ एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे रहनुमा हैं जिनका कलाम हमारे लिए आइंदा के लिए भी जिंदा और जावीद रहेगा। मेहमान खसूसी कि अब रुखसती है जनाब सैयद इमरान माजिद अली, एयर वाइस मार्शल सितारा इम्तियाज मिलिट्री और एयर ऑफिसर कमांडिंग पीएफ एयरमैन एकेडमी। मेहमान आने ग्रामी की आमद का सिलसिला आज सारा दिन जारी रहेगा। जिंदा कौमें अपने मशाहिर को जिंदा रखती याद रखती हैं और तभी वक्फे वक्फे से हमें ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो जिनकी हम पज़ीराई करते हैं। ये एक इंसेंटिव होता है। लाहौर से बराह रास्त मनासर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। योम पाकिस्तान के हवाले से आज तकरीब का इनेकाद किया गया है। पाक विजाया का दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फराइज संभालेगा। लाहौर में पुरवकार गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। मुफक्कर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की ये पुरवकार तकरीब है जिसके मनासर बराह रास्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली तकरीब के मेहमान खसूसी थे। उन्होंने मज़ार पर दुआ भी मांगी, फूलों की चादर चढ़ाई। इसके अलावा मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए और ये मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता रखा जा रहा है। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते से कबल रेंजर्स का दस्ता यहाँ पर गार्ड्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड्स की तब्दीली की ये पुरवकार तकरीब है और एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली तकरीब के मेहमान खसूसी हैं। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा। 23 मार्च योम पाकिस्तान, आपको बताएं मुफक्कर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार तकरीब जारी है। एयर वाइस मार्शल सैयद इमरान माजिद अली मेहमान खसूसी हैं और पाक फ़िज़ाइया का दस्ता रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल चुका। ये मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं और फूलों की चादर चढ़ाई गई मज़ार पर। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए गए। मेहमान खसूसी सैयद इमरान माजिद अली ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता रेंजर्स की जगह पर गार्ड्स की जो है वो तकरीब में इनेकाद करके अपनी कमान संभाल चुका है। मज़ार इकबाल पर सतलुज रेंजर्स के जवान गार्ड्स के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए हैं और गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार ये तकरीब है जो बराह रास्त लाहौर से आप मुलाहिजा कर रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। इससे पहले रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो गार्ड्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। 23 मार्च 1940 की याद में आज का दिन ये मनाया जाता है। 23 मार्च योम पाकिस्तान, मुफक्कर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब है जिसकी जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मेहमान खसूसी की अगर बात की जाए, सैयद इमरान माजिद अली तकरीब के मेहमान खसूसी हैं। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने